ये देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, सूट में से या ब्लाउज में से इस तरीके से बचा हुआ कपड़ा आप ले सकते हैं। इसकी विड्थ मैंने ली है 11 इंच और इसकी पूरी लंबाई है 30.5 इंच। और इसके बीच में लगाने के लिए इस तरीके से फॉर्म शीट, रबड़ शीट, कैनवस कुछ भी आपके पास वो ले सकते हैं। इसकी लंबाई भी सेम मैंने ली है 11 इंच, इसके बराबर। और इसकी लंबाई मैंने ली है 9.5 इंच। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये लिया ये कपड़ा, इसके ऊपर हमें पहले इसमें प्लीट्स का डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, एक तरफ से डालना, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तरफ मैंने डाली, अब सेम प्लीट हम इस तरफ डाल लेंगे। जितनी प्लीट इस तरफ है उतनी ही आपको इस तरफ भी डालनी है। तो यहीं से हम प्लीट का रेफरेंस लेते हुए सीध में प्लीट डाल लेंगे। उतनी ही मैंने इस तरफ भी डाली है, दोनों तरफ बराबर। अब इसे बराबर करते हुए एक सिलाई हम इसके सेंटर में भी लगा देंगे। रेडी कर लिया। अब आपको क्या करना है, सेम इसके साइज की एक पीस लाइनिंग का कट कर, सेम इसके साइज की एक पीस मैंने लाइनिंग का कट कर लिया। अभी रखा, इसके ऊपर लाइनिंग रखनी है इस तरीके से, सेम साइज की लाइनिंग है। यहाँ पे दोनों तरफ ऊपर की तरफ हम इस पे सिलाई लगा, इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा कर लिया। अब हम इस पे जिप लगा लेते हैं पहले। तो इस तरीके से जिप ली, जिप की सीधी तरफ ऊपर रखते हुए इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी जिप लग गई एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी जैसे जिप लग गई। रनर निकाल लेते हैं, हम बाद में डाल लेंगे। जिप का दूसरा पीस हम दूसरी तरफ लगा लेते हैं, इसे हम इस तरफ लगा लेंगे। जिप का एक पीस इस तरफ लगा लिया, एक इस तरफ लगा लिया। अब इस तरीके से कोई भी आपके पास बची हुई लेस के दो टुकड़े हैं मेरे पास छोटे से, ये मैं यूज करूंगी, इसे यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। एक पीस पे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इसे इस तरफ रखते हुए यहाँ पे, तो दोनों तरफ इस तरीके से मैंने लेस को लगा लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसमें रनर डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फोल्ड होके आएगा, देखिए। तो यहाँ से पहले हम इसमें, यहाँ से जो हमने रनर निकाला था इसे हम इंसर्ट कर लेंगे। ये मैंने इसमें रनर इंसर्ट कर लिया। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, हम साइडों वाली सिलाई लगाएंगे। तरफ फोल्ड करके एक्स्ट्रा जिप को कट कर लिया। अब इसे इस तरीके से यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। बस सिलाई लगाते हुए हम इसमें इस तरीके से, अगर आप इसमें चेन वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं बाद में, उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से ये छोटी सी स्ट्रिप इस तरीके से इसके बीच में रखते हुए, फिर इसे इसके ऊपर रखते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये जो रफ एजेस है, सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने रफ एजेस को फिनिश करने के लिए। इस तरीके से फोल्ड करते हुए, यहाँ से रेप है तो हमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये देखिए पट्टी सी हम इसमें बना लेंगे और इस पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरफ से और इस तरफ से दोनों रफ एजेस फिनिश कर,
ये देखिए दोनों तरफ से रफ है जिसको मैंने सिंपल पट्टी से फिनिश कर दिया। अब यहाँ से जो जिप वाला पोर्शन है यहाँ से पहले से सीधा कर लिया। तो अंदर से देखिए प्रॉपरली फिनिश्ड, यहाँ से हमारी जिप आ गई इस तरीके से। आप एज इट इज यूज करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए ये मेरे पास चेन पड़ी है तो ये मैं चेन लगा लूंगी। तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं या किसी पुरानी बैग की पड़ी है आपके पास। ये लूप हमने इसीलिए लगाए थे, यहाँ पे हम लूप के अंदर इसे चेन को लगा लेंगे। इस तरह दोनों तरफ इस तरीके से मैंने इसमें चेन लगा ली। यहाँ पे साइड में जो हमने लूप बनाए थे और ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो देखिए यहाँ पे टॉप पे हमारी जिप आ गई, टॉप जिपर के साथ ये क्यूट सा बैग देखिए, पार्टी वियर बैग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया इस तरीके से। प्लीट्स के साथ देखिए बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन लग रहा है इस तरीके से। ये पार्टी वियर बैग स्लिंग बैग हमारा बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है ये इस तरीके से साइड में। तो ये हमारा क्यूट सा पार्टी वेयर बैग देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। प्लीट के साथ बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन लगता है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमारी ये स्ट्रिंग आ गई, तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया।